हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अजय, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विजुअल क्लास यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम देखेंगे आज के 21 मार्च के करंट वीडियो को। तो आगे बढ़ने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। नए हैं चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो है रेड बटन, वहाँ से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं आज के 730 नंबर करंट वीडियो को क्वेश्चन एक के साथ। क्वेश्चन एक है, द इंडियन आर्मी इज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोस्यूरिंग द मिंट सिस्टम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मिंट। भारतीय सेना मिंट सिस्टम की जो है खरीद की प्रक्रिया में है और मिंट का पूर्ण रूप क्या है, तो उसका क्या है, मोबाइल इंटीग्रेट नेटवर्क टर्मिनल। इसका पूरा क्या नाम है, मोबाइल इंटीग्रेटेड नेटवर्क टर्मिनल, इसका जो है फुल फॉर्म है। और जो ये है भारतीय सेना जो है इसकी खरीद की जो है प्रक्रिया में है। भारतीय सेना मेड इन इंडिया मोबाइल इंटीग्रेटेड नेटवर्क टर्मिनल सिस्टम खरीदने जा रही है, जो भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक बड़ा बढ़ावा है। मिंट प्रणाली भारतीय सेना की संचालन जो संचार क्षमता है उसको क्या है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुसार बढ़ाएगी। और रक्षा मंत्रालय ने इस पर प्रकाश डाला है कि भारतीय सेना DIP 2020 की मैक्स सेकेंड श्रेणी के तहत मिंट सिस्टम की खरीद की प्रक्रिया में है। यह प्रणाली एक पोर्टेबल हल्की अत्याधुनिक एकीकृत संचार समाधान है, जिसमें क्या है, सैटेलाइट बैक होल और वायरलेस एक्सेस सिस्टम शामिल है, जो ऑडियो और वीडियो और डाटा का क्या प्रदान करते हैं। रिवीजन करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन एक के साथ। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 मार्च को। किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने चुनाव में लगातार अपनी पार्टी को चौथी बार जीत दर्ज लगी है, तो वह नीदरलैंड के। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है 15 मार्च को। किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को 2020 के SJA जो ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया है, तो वह माइकल होल्डिंग को, जो कि वेस्टइंडीज के हैं। वर्ल्ड स्लिप डे किस दिन मनाया जाता है, तो मार्च महीने के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बेकल झील है उसके अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप है वो लगाया, तो किसने लगाया, वो लगाया रूस ने। क्वेश्चन नंबर 2, द कंट्री फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनर रेलवे टर्मिनल हैज बिकम सेट अप इन विच सिटी। देश का पहला एकीकृत जो वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल है वो किस शहर के अंदर मनाया जा रहा है, तो कहाँ मनाया जा रहा है, वो मनाया जा रहा है बेंगलोर के अंदर। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा सर एम वेसरिया टर्मिनल। इसे बेंगलोर में मनाया जा रहा है और ये लगभग तैयार हो चुका है, बहुत ही जल्द इसे शुरू भी कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बरेली एयरपोर्ट विच वॉज अपग्रेडेड अंडर उड़ान स्कीम हैज बिकम द डैश द एयरपोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। बरेली एयरपोर्ट उड़ान योजना के तहत जिसे अपग्रेड किया गया है, उत्तर भारत का कौन सा हवाई अड्डा बना है, तो कौन सा बना है, वो बना है 8वां। राइट आंसर क्या है, बी 8वां। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक, जिसे क्या है, उड़ान योजना का तहत क्या है, बरेली हवाई अड्डे को कर्मिनिशल उड़ान सेवा के तहत विकसित किया गया और ये 8वां जो है हवाई अड्डा बना है, कौन सा, 8वां। क्वेश्चन नंबर 4, विच डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज डिप्लॉयड ए मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड ई सुविधा। जम्मू कश्मीर के किस जिला प्रशासन ने ई सुविधा नाम के एक मोबाइल एप्लीकेशन है उसको विकसित किया है, तो है रामबन। राइट आंसर ए रामबन जिला। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, रामबन जिला प्रशासन ने किया ई सुविधा के नाम से एक मोबाइल ऐप शुरू किया, जो सरकारी सेवा और विभागों को डिजिटल मंच है वो देगा। ई सुविधा मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध होगा और ये लोगों को पानी, बिजली, घर की जो मरम्मत है, ऐसी कोई भी रोजमर्रा की समस्या है उसके समाधान में क्या मदद करेगा ये ऐप।
क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल मैथमेटिक डे 2021, जो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस है 2021, उसका क्या विषय था? तो उसका क्या विषय था? मैथमेटिक फॉर बेटर वर्ल्ड। राइट आंसर सी, मैथमेटिक फॉर बेटर वर्ल्ड, यानी आपके भविष्य के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस है, उसने क्या है 14 मार्च को मनाया जाता है दुनिया भर में, और ताकि गणित की जो है सुंदरता, महत्व और किसी के जीवन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका, उसका जश्न मनाया जा सके। ये दिन प्रसिद्ध गणितज्ञ और जो भौतिक विज्ञान के अल्बर्ट आइंस्टीन ने उनकी जयंती, और सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के पुण्यतिथि का भी प्रतीक है। देखते हैं आज का सवाल क्या है, आज का सवाल जिसको आपको राइट आंसर देना है नीचे कमेंट के द्वारा। सही आंसर देने वाले हमारे जो भी विजेता रहेंगे, उन सभी विजेताओं के नाम दिए जाएंगे अगले वीडियो के अंदर। तो फटाफट अपने आंसर देंगे नीचे कमेंट के द्वारा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दोहरा देता हूँ कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट डिसाइड टू स्टॉप पैसेंजर बस ट्रांसपोर्ट फ्रॉम विच स्टेट इन व्यू ऑफ द इंक्रीजिंग केस ऑफ कोरोना। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने किस राज्य से जो यात्री बस परिवहन है उनको बंद करने का ऐलान किया, तो किस राज्य से किया है एमपी ने बंद करने का, तो वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने कुछ इस प्रकार रहे हैं, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो किस राज्य से जो यात्री बस परिवहन है वो बंद करने का फैसला किया है एमपी सरकार ने कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए, तो वो आपको जल्दी जल्दी आंसर देना है नीचे कॉमेंट के द्वारा। चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। दी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द एक्यूमिस पोर्टल, व्हाट इज आई इन एक्यूमिस, जो जल शक्ति मंत्रालय है उसने एक्यूमिस पोर्टल है वो लॉन्च किया, तो एक्यूमिस में जो आई है उसका क्या अर्थ है, तो उसका क्या अर्थ है जल शक्ति मंत्रालय ने किया, उसके अंदर क्या है उसकी गुणवत्ता निरीक्षण परीक्षण और देखरेख के लिए जो है दिशा निर्देश फ्रेमवर्क का शुभारंभ किया गया, और मंत्रालय ने ऑनलाइन पोर्टल जल गुणवत्ता सूचना प्रबंधन प्रणाली है एक्यूमिस उसको भी लॉन्च किया, जो इस उद्देश्य के प्रयोगशालाओं पर क्या विस्तृत जानकारी क्या प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच फॉर्मर कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम हैज बिकम इंक्लूड एज मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ द इंडियन प्रोफेशनल गोल्फ टूर। भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के बोर्ड में सदस्य के रूप में जो है शामिल किया गया, तो किसको किया गया है, वह कपिल देव को। राइट आंसर डी, कपिल देव है उनको जो है भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के लिए जो है चुना गया है सदस्य के रूप में, बोर्ड सदस्य के रूप में, और इस मौके पर 1983 विश्व कप में भारत की खिताबी जीत के दौरान टीम की अगुवाई करने वाले कपिल देव उन्होंने कहा कि वह इस देश में गोल्फ के विकास के लिए काम करेंगे। देखते हैं आज की मोटिवेशनल लाइन क्या है, आज की मोटिवेशनल लाइन, तो आज की मोटिवेशनल लाइन है कि मेरा कंपटीशन क्या है खुद से है, दूसरों के जीतने हारने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी आपका भी यही एम होना चाहिए कि जो है कंपटीशन खुद से करें ना कि दूसरों से, दूसरों की हार और जीत का कोई है आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको खुद मेहनत करनी चाहिए और खुद से कंपटीशन करें। देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, पिछले वीडियो का क्वेश्चन और सही आंसर देने वाले विजेताओं के नाम। क्वेश्चन था, हु वाज मेड द चेयरमैन ऑफ द स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड, किसे स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड है उसका चेयरमैन बनाया गया, तो वह डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है उनको टीवी स्टॉप जो बोर्ड है उसका अध्यक्ष बनाया गया है, और जिन्होंने सही आंसर दिया उनमें है सीमो लोधी, सुधांशु कुमार, रोहित कश्यप, शिवाजी, दिलीप कुमार, हेतराम और अभिजीत सिंह। आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, उम्मीद करें वीडियो पसंद है, वीडियो को फटाफट लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और नए चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को क्या आप सब्सक्राइब कर लो, और जो नीचे आपको बेल आइकन दिखाई दे साथ में उसे भी प्रेस कर दो ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।